बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। तो माँ के जो है तीन हक जो है बाप की नस्बत ज्यादा है, और तीन हक क्यों ज्यादा है, इसलिए कि दुनिया में माँ जो है तीन ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करती है कि जो बाप वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता। पहली तकलीफ जो है वो हमल की, हमल का बोझ जो है तकरीबन 9 महीने हमल का बोझ उठाती है, ये तकलीफ़ बाप नहीं उठाता, माँ ये तकलीफ़ उठाती है, इसलिए इस माँ का हक बाप पर से बढ़ जाता है। दूसरी जो है विलादत की तकलीफ़ जो होती है, विलादत की तकलीफ़ माँ बर्दाश्त करती है, बाप बर्दाश्त नहीं करता, तो ये दूसरा हक उसका बढ़ जाता है। और तीसरा हक जो है रज़ात का ज़माना है कि पैदा होने के बाद अब उसको जो पालती है, 2 साल तक उसको दूध पिलाती है, और 2 साल का जो एक मासूम बच्चा है अब उसको सुबह शाम उसका ख्याल करना, उसको जो सूखी जगह लिटाना, खुद गीले पे लेटना, उसके पेशाब पखाना, हर वक्त उसकी फिक्र, बीमार हो तो जागती है, तो ये जो है उस जो रज़ात का ज़माना है जो उसको पोसती और पालती है, तो ये जो ज़माना है ये इसकी वजह से उसका हक बढ़ जाता है। तो माँ के बेशक तीन दर्जे हक बाप की नस्बत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ बाप का मुकाम अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत ज़्यादा है कि अगर बाप को तुमने नाराज़ कर दिया तो याद रखो अल्लाह फरमाते मैं भी तुमसे नाराज़ हो गया, और बाप को अगर राज़ी रखा तो अल्लाह तबारक व तआला भी राज़ी रहते हैं। इसलिए इसलिए औलादों को ये चाहिए माँ बाप दोनों के हक़ को पूरा करें, दोनों का एहतराम करें।